साजत और सभी की करीबियाँ। रिश्ते में बढ़ती नजदीकियाँ, मियाँ बीवी में पनपता प्यार, प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में सभी और रजत दोनों ही इस बात से अनजान है कि इनके रिश्ते में प्यार पनपने लगा है। वो इस बात से भी अनजान है कि इनकी तकरार में भी प्यार छिपा हुआ है। जरा देखिए कैसे आज रजत गुस्से से बौखलाया सभी के पास आता है, क्योंकि उसकी गाड़ी में डेंट लग गया है और इसकी वजह सभी है, क्योंकि उसने ही कार का एक्सीडेंट किया है। ऐसे में देखिए कैसे रजत सभी पे नाराज तो होता है, लेकिन इसी नाराजगी में कहीं ना कहीं रजत को करीब पाकर सभी का दिल भी धड़कने लगा है। मैंने कैब बुक की लेकिन फिर वो कैंसिल हो गई, तो मुझे पापा नहीं बोले थे आपकी गाड़ी में कुछ, वो फिर वो रिवर्स ब्रेक करके तूने मेरी गाड़ी ठोकी। ठोकी नहीं, बस वो हल्की सी टच हुई थी। अच्छा, हल्की सी टच हुई, गाड़ी में स्क्रैच आया, तू मैकेनिक के पास गई और तुम्हें लगा कि ये सब कुछ कर लोगी, मुझे पता नहीं चला। हां बेवकूफ हूं, बेवकूफ हूं मैं। हां नहीं, मेरा मतलब है कि हां मैं कोशिश कर रही थी कि आपको कुछ ना पता चले, लेकिन पता चल गया। मैंने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की थी ना, गैरेज में लेकर गई गाड़ी, डेंट भी ठीक कराया, पेंट भी कराया, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया। वो स्क्रैच दिखा कैसे आपको, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपके जो चश्मे, ये जेम्स बॉन्ड वाले चश्मे, कितना बड़ा चश्मा है तुम? खैर, इनके रिश्ते में प्यार कम और हिचकिचाहट ज्यादा है, जिसके चलते दोनों अपने बीच की दूरियां बना लेते हैं। लेकिन रजत सभी की अच्छाइयों के चलते उसके करीब बार बार चले आते हैं, और आज तो रजत सभी के लिए गमला तोहफे में लाए हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो रही है। इतना ही नहीं, रजत ने तो प्लान भी बना रखा है सभी को डिनर पर ले जाने का, जिसे सुनकर सभी हैरान हो रही है। और तो और सभी को ये भी पता है कि आखिर रजत ऐसा क्यों कर रहा है। तो मूवी चले थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाए, मूड चेंज हो जाएगा और बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बस तारीफ भी ऐसे करो जैसे गले में हड्डी फंस गई हो। अगर एक चैलेंज आपने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलन जी जो पढ़ा सकते हैं क्या, लेकिन मैंने हाँ नहीं बोला है। लेकिन आपके पास मौका है मुझसे हाँ बताने का, तो जैसा बोलो वैसा कीजिए आप। तुम्हें ये बात पहले से पता थी? हाँ, जो आपकी मन की बात पढ़ सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए ना, 24 घंटे शुरू हो चुके हैं। खुतुम प्यार से, सभी प्यार से स्माइल। एक्चुअली मैं जब मुझे मैं बिजनेस माइंडेड एक इंसान हूँ, तो मुझे जब भी किसी को कुछ इम्प्रेस करना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे गिफ्ट लेकर जाऊँ या कुछ उससे बात करूँ या वैसा। तो एक तरह का वो ऐसे ही था कि सभी से एक मतलब है इस समय और उसे काम निकलवाना है, और तो वो उस लिए लेकर जाता है। लेकिन ऑलरेडी सभी को ये बात पता है, तो वो और फनी सीन था, बहुत ही मज़ेदार सीन था वो। भाई यहाँ तो रजत और सभी दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं, लेकिन फिर भी अनजान बने हैं, और अब तो किस्मत पल पल इन्हें इशारे भी दे रही है। तभी तो देखिए कैसे सभी थकार कर सोफे पर सो जाती है, तो तैयार होकर वहाँ रजत आ जाता है, जिसका गलती से पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है सभी के ऊपर। बस फिर क्या, सभी को देखकर शुरू हो जाता है रजत का दिल धड़कना। मैं गलती से गिर जाता हूँ मैं आ रहा होता हूँ उसको जगाने के लिए, क्योंकि हम लोग गोंधड़ एक रस्म है उसके लिए जा रहे होते हैं सभी की फैमिली में, और मैं अचानक से उसको देखता हूँ, तो अभी तक सो रही है, मैं तैयार हो चुका हूँ, तो मैं जैसे ही जाता हूँ तो मैं उसके ऊपर गिर जाता हूँ, और फाइनली वो एक रोमांटिक मोमेंट जैसा कुछ क्रिएट होता है और
आज पूरा दिन ऐसे ही था क्योंकि मैं और सभी पूरा दिन शूट कर रहे थे, तो रोमांटिक सीन्स थे, कॉमेडी सीन्स थे, फनी सीन्स थे, सो बहुत अच्छा था आज का दिन। अब रजत को इतना करीब देखकर सभी क्या कोई भी घबरा जाएगा? फिलहाल तो रजत ने अपने दिल को संभाल लिया है, देखना होगा कि कब तक दोनों अपने प्यार से अनजान रहेंगे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हैप्पी संडे आप सभी को। यहाँ हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो आपको तो पता ही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।